नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं जॉबित पीढ़ी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, रीट लेवल सेकंड के लिए हमारी सेकंड यूनिट चल रही थी बीजीय व्यंजक एंड सर्वे समीक्षाएँ, जिसके हम बीजीय व्यंजक और बहुपद के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारे सर्व समीक्षा का टॉपिक है वो अभी तक नहीं कम्प्लीट हुआ था, तो आज इस क्लास के माध्यम से हम कंप्लीट सर्व समीक्षा के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हम बीजीय व्यंजक और बहुपद के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद में आप वो पहली वाली क्लास है वो जरूर देख लेवें, क्योंकि उन क्लासों में हमने पूरी कंप्लीट डिटेल से इससे रिलेटेड है बातचीत की है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास है वो काफ़ी शानदार क्लास रहेगी, आपको पसंद आएगी, तो आप अभी से लाइक और शेयर है वो जरूर कर देना। ठीक है, आगे वाली क्लास के नोटिफिकेशन समय टू समय पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, अगर पसंद आए तो आप फीडबैक है वो जरूर दे देना। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं है, अगर आप पूछना चाहते हैं तब भी आप हमें कमेंट कर देना। पहले हम सर्व समीक्षा के बारे में पढ़ लेंगे, फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, और लास्ट के अंदर जो इससे रीट के अंदर पूछे गए जो क्वेश्चन है हम वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ मानक सर्व समीक्षाएं हैं जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखी है, आप साथ में एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ साथ में लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी पहली सर्व समीक्षा है a प्लस बी की होल स्क्वायर। a प्लस बी की होल स्क्वायर अगर हमें दिया हुआ हो तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। ये दोस्तों हमारी पहली सर्व समीकरण है। आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि a प्लस बी की होल स्क्वायर, चलो ये तो हो गया कि इसके बराबर होता है a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर, कि ये सर्व समीकरण काम कब आती है, कैसे काम आती है। ठीक है, ये आपके मन में डाउट आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया हो 3x प्लस 4y की स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना हो। तो दोस्तों ये आप देखोगे तो ये पहली जो हमारी सर्व समीक्षा है उसी के फॉर्मेट में है, a प्लस बी की होल स्क्वायर। ठीक है, a का मान हमारे पास यहाँ पे कितना है 3x, वही b का मान हमारे पास कितना है 4y। ठीक है, यहाँ पे मान कुछ भी हो सकता है, a का मान कुछ भी हो सकता है, b का मान कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ वो सर्व समीक्षाएँ ध्यान में रखनी है कि अगर a प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मेट में हो, यानी एक पद यहाँ हो एक पद यहाँ हो, इन दोनों के बीच में प्लस हो और इसकी होल स्क्वायर हमें करनी हो, तब हम कैसे कर सकते हैं a की स्क्वायर, a यहाँ पे कितना है 3x है। ठीक है, a 3x है तो 3x की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 9x स्क्वायर, फिर कितना है प्लस, फिर क्या करना है 2ab, 2 a कितना है 3x, b कितना है 4y, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 चौक 24xy, यानी आगे कितना आ जाएगा प्लस 24xy। ये कौन सा पद है, ये 2ab वाला है। इसके बाद में क्या करना है, b है उसकी होल स्क्वायर करनी होती है, तो b हमारे पास कितना है 4 है, तो 4 की होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16y स्क्वायर, ये अपना आंसर हो गया। यानी कि जब आपको बोला जाए कि 3x प्लस 4y का मान निकालिए, इसका मान ज्ञात कीजिए, तब आप कैसे कर सकते हो कि ये तो एक सर्व समीक्षा बन रही है a प्लस बी वाले। ठीक है, a प्लस बी की होल स्क्वायर, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों अगर इसको हम सर्व समीक्षा से सोल्व करते हैं तो ये अपना जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसमें हमें टाइम नहीं लगता है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूला अगर याद है तब इसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। मान लीजिए कि अगर आप नहीं हो ऐसा, मान लीजिए अगर बाय द वे आप फॉर्मूला भूल गए, तब आप इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तब दोस्तों इसको एज ए बीजीय व्यंजक की तरह हमें इसको सोल्व करना है, जिस प्रकार हमने बीजीय व्यंजकों का गुणा भाग किया था उसी तरह आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, मान लीजिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है अपना 3x प्लस 4y की स्क्वायर। दोस्तों जब हमने घात के अंदर पढ़ा था कि जब किसी के ऊपर पावर होती है, कोई भी पावर होती है, इसका मतलब है कि वो संख्या खुद से उतनी ही बार मल्टीप्लाई होगी, जो मान जो पद है वो खुद से उतनी ही बार गुणा होता है। यहाँ पे इसके पद के ऊपर घात कितनी है 2 है, तो यानी पद है वो खुद से 2 बार गुणा होगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y, 3x प्लस
4y। अब इसको हम बीजीय व्यंजक से कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको पहले बीजीय व्यंजक का गुणा भाग करवाया था तब इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल से बताया था, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद में जाकर जरूर देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बता दूँ कि आपको कैसे सोल्व करना है। तो बीजीय व्यंजक की तरह हम क्या करते हैं कि पहले वाले पद को पहले वाले पद से गुणा करते हैं, ठीक है, फिर पहले वाले पद को सेकेंड पद से गुणा करते हैं, सेकेंड पद को पहले वाले पद से गुणा करते हैं और सेकेंड वाले पद को सेकेंड पद से गुणा करते हैं। इसको पहले वाले पद को पहले पद से गुणा करेंगे तो 3x कितना हो जाएगा 9 और x कितना हो जाएगा 9x² प्लस ये पहला पद दूसरे पद से गुणा होगा तो यानी 3 × 4 = 12xy प्लस 12xy प्लस ये सेकेंड पद पहले वाले पद से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 12xy और ये लास्ट वाला पद लास्ट से गुणा होगा तो ये 16y² इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² तो मान तो हमारा वही है जो a प्लस बी, ठीक है, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से जो हमारा मान आया था वही मान हमारा इस प्रकार सोल्व करने से भी आया है, ठीक है। ये दोस्तों क्या होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग मेथड होता है, आप जो भी सर्व समीकरण हैं अगर आपको याद नहीं रहती है तो आप बेसिक से भी इनको कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है जो पिछली बार रीट में पूछा गया था, वो एक आपको सर्व समीकरण देकर आपको दूसरा सर्व समीकरण वो पूछी गई थी तो वहाँ पे आपको ये मेथड आप तो लगा नहीं सकते, तो वहाँ पे आपको सर्व समीकरण वो याद रहनी बेहद ज़रूरी है, तो आप एक बार इनको याद भी कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं रहती है कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्ट सोल्व हो रहा है तो आप ऐसे भी सोल्व है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पहली सर्व समीकरण हो गई कि a प्लस बी की होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार हमारी जो सेकंड सर्व समीकरण है वो है अगर a माइनस बी की होल स्क्वायर आपको दिया हुआ हो तब क्या हो जाएगा, तब होगा a की स्क्वायर है माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर। ये बी स्क्वायर है वो प्लस का क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बी किसका है, ये भी माइनस का है, ठीक है, ये b का माइनस b के माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस के मल्टीप्लाई से होता है तब क्या हो जाता है प्लस हो जाता है और b की पावर एक कितनी हो जाएगी, b की पावर 2 हो जाएगी। तो यही तो है हमारा प्लस बी स्क्वायर क्यों आया, ये मैंने आपको बता दिया है कैसे आया, ठीक है। ये हमारी सेकेंड सर्व समीकरण हो गई कि a माइनस b की अगर होल स्क्वायर हमें दी गई हो तब इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो इसको सोल्व कर सकते हैं हम a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका आंसर वो आपको कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन में दे देता हूँ सेकेंड सर्व समीकरण से रिलेटेड, आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ये अपना सेकेंड सर्व समीकरण का क्वेश्चन है, इसका आंसर वो आप कमेंट करके बताएं। इसी प्रकार अपने तीसरी सर्व समीकरण है अगर आपको a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर दी जाए तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों ये रिवर्स भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी आपको ये भी दिया जा सकता है a प्लस बी ए माइनस बी और आपको इसको सोल्व करना हो तब आप कैसे करेंगे a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तीसरी सर्व समीकरण पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए इसका दोस्तों आप आंसर होगा कमेंट करके अभी बताएं, ठीक है। तीसरी सर्व समीकरण से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए आपको दिया गया हो 2x/3 माइनस 3x/4 और 2x-3 प्लस 3y/4। दोस्तों ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और इसको आपको सोल्व करना है। अगर हम इसको बीजीय व्यंजक के बेसिक फॉर्मेट से सोल्व करें, यानी पहले पद को पहले पद से मल्टीप्लाई करें, सेकंड पद को सेकंड से करें, फिर सेकंड को पहले से और फिर सेकंड को सेकंड से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टाइम है वो काफ़ी लगेगा, ठीक है। इसकी बजाय इसके अंदर हमारी तीसरी जो सर्व समीकरण है वो लागू हो रही है। तीसरी सर्व समीकरण है अगर a माइनस ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हो तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये पद आगे पीछे हो सकते हैं कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे पहले माइनस लिखा है फिर प्लस लिखा है
पहले प्लस हो सकता है फिर माइनस हो सकता है, दोनों गुणा के अंदर है, तो किसी को आप पहले लिखो किसी को आप बाद में लिखो कोई फर्क इसका नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पद तो बराबर है। ठीक है, इसके अंदर ये हमारी तीसरी सर्वसमिका लागू हो रही है या नहीं हो रही है, तीसरी सर्वसमिका लागू हो रही है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है, दो एक्स वाई, दो एक्स बटा तीन ए है, तो ये ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार एक्स की स्क्वायर बट्टा नौ। फिर क्या करना है, हमें इसको माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। माइनस के बाद में बी, बी की जगह कितना है, तीन बटा चार, तीन वाई बटा चार है, तो ये तीन है, ये कितना हो जाएगा नौ, वाई स्क्वायर है, चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा सोलह, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगर आपको सर्वसमिका पता है तब दोस्तों आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, मात्र एक मिनट ही आपको इसके अंदर नहीं लगाए। अगर आपको सर्वसमिका याद नहीं रहती है तब ये आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी तीसरी सर्वसमिकाएं होगी। इसी प्रकार आगे भी और भी काफ़ी सर्वसमिकाएं हैं, आप साथ साथ में नोट कर लीजिए या इसका पूरे का स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूरी संभावना है कि यहाँ से ही कुछ क्वेश्चन आपका पूछा जाए। आपकी नेक्स्ट सर्वसमिका है वो है, अगर आपको तीन पद दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी और इनकी स्क्वायर आपसे करवाई जाए, तब हम इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ठीक है, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर लेंगे बाद में, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो हमारी क्या, जब हमें तीनों जो पद दिए गए हैं वो प्लस के अंदर है तभी हमारी सर्वसमिका लागू हो जाएगी। अगर यहाँ पे एक पद, अगर ये बी है ये माइनस हो या सी है ये माइनस हो, तब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पहले ए बी सी तीनों है ये तो हमेशा क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। फिर जहाँ जहाँ ये माइनस वाला पद है वहाँ वहाँ आपको देखना है, ये बी है ये बी माइनस का है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ बी आ रहा है उसके आगे माइनस लग जाएगा। यहाँ पे बी आ रहा है तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे भी बी आ रहा है ये भी माइनस हो गया, यहाँ पे बी नहीं आया तो भी ये प्लस का प्लस ही रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पे हमें सी का पद है वो माइनस में दिया गया है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी सी आ रहा है ना, सिंगल सी आ रहा है वो माइनस हो जाएगा, ये सी आ रहा है तो ये माइनस हो गया, ये सी आ रहा है तो ये माइनस हो गया, बाकी ये समान ही रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे जिसके आगे आपको माइनस दिया गया है वो सिंगल पद में आपको माइनस कर देना है। ठीक है, बाकी ये सारा का सारा समान रहेगा। अगर आपको माइनस ए भी दे दिया जाए तो जहाँ पे सिंगल ए आ रहा है ना वहाँ पे आपको माइनस कर देना है, बाकी ये ऐसा कैसा लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सर्वसमिकाएं हैं वो है ए प्लस बी की क्यूब, अगर आपको दी गई हो तब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तब ये हो जाएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस तीन ए बी प्लस तीन ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार ये a माइनस बी की क्यूब हमें दी गई हो तब इसका सर्वसमिका वो कैसे सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा a की क्यूब माइनस बी की क्यूब प्लस तीन ए बी स्क्वायर माइनस तीन ए स्क्वायर बी। नेक्स्ट है, अगर आपको a प्लस बी निकालना हो, ठीक है, a प्लस ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर दी गई हो तब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी है, ए की क्यूब बी की क्यूब है, यही तो हमारा ए की क्यूब बी की क्यूब यहाँ पे है, तब हम क्या करेंगे कि आपको याद है ना सिर्फ यही रखना है, इन सभी में आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है। जिस प्रकार इसमें इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला ये याद कर लेना है, इससे रिलेटेड आप बाकी फॉर्मूलाज आराम से लिख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये भी आपको एक सर्वसमिका का फॉर्मूला आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, ए प्लस बी की अगर होल क्यूब आपको दी गई हो तब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस तीन ए स्क्वायर बी प्लस तीन ए बी स्क्वायर, इसी से रिलेटेड ये फॉर्मूला, इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कन्फ्यूज होने का जो चांस है, जहाँ से आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया गलत होगा तो यहीं से होगा कि जहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस दिया गया हो तब यहाँ पे ए बी होगा वो प्लस का होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस दिया गया हो तब ये भी है ये माइनस का होगा, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तब तो ये प्लस का ए बी आएगा। ठीक है, अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है तब ये है माइनस का ए बी आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों अपनी सर्वसमिकाएं हो गई। इसी प्रकार एक लास्ट सर्वसमिकाएं और है,
वो है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब। अगर माइनस तीन ए बी सी अगर आपको दिया गया हो तब इसका हम कैसे सोल्व करेंगे, तब ये हो जाएगा अपना ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये दोस्तों अपनी लास्ट सर्व समीकरण होगी। इसके अंदर आपको एक कंडीशन याद रखनी है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, यानी अगर ये पद जीरो होगा तो यहाँ पे इसका जीरो का मल्टीप्लाई इस पद से होगा तो ये पूरा का पूरा पद जीरो हो जाएगा। तब आपसे क्या बोलेगा, तब आपको बोलेगा कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब सी का मान बताओ, यानी ये आपको दे देगा, ठीक है। और आपको बोला जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब का मान बताओ। तब अधिकतर क्या करेंगे कि इसका मान जीरो हो जाएगा, ये पद ही तो इसके बराबर में है, तो ये जीरो हो गया तो पूरा का पूरा पद ही जीरो हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जीरो हो जाएगा तो ये माइनस वाला है ना, माइनस का जो तीन ए बी सी है ना, ये इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो तीन ए बी सी किसका हो जाएगा, ये तीन ए बी सी है, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। जब अगर आपको ए बी सी जीरो दे दे तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब का जो मान होगा वो हो जाएगा तीन ए बी सी। इससे भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है। ये दोस्तों समीकरण है वो हो गई, ठीक है। कोई भी इससे रिलेटेड आपका डाउट हो तो आप है हमें कमेंट है वो जरूर कर दीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो इससे कर चुके हैं हम, एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। अब एक क्वेश्चन हम इस सर्व समीकरण से ले लेते हैं कि आपको दिया जाए दो एक्स प्लस तीन वाई प्लस चार जेड की स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ए ए का मान हमारे पास ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है, इनको आपको क्रम वाइज ही रखना है, यानी पहला होगा ए, दूसरा होगा बी, तीसरा होगा ये अपना सी हो जाएगा। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, अगर आप पहले कर पा रहे हो तो आप कमेंट करके इसका आंसर वो हमें जरूर कर दें। तो सबसे पहले दोस्तों ए स्क्वायर हो जाएगा दो की स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर यानी नौ वाई स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर सोलह जेड स्क्वायर। आगे क्या है, आगे है टू ए बी, टू ए बी यानी टू का गुणा टू से हो जाएगा तो कितना होगा फोर है, फिर इससे हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बारह, बारह एक्स वाई, फिर क्या है अपना प्लस है, फिर ये प्लस है टू बी सी यानी इनको गुणा करके दो से और गुणा कर देना है तो ये हो जाएगा बारह वाई जेड, दो से और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा चौबीस वाई जेड। इसी प्रकार फिर लास्ट क्या है टू ए सी यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टू से मल्टीप्लाई और कर देना है तो ये हो जाएगा दो से गुणा होगा चार आठ है एक्स वाई जेड है, फिर दो से गुणा हो जाएगा तो आठ ये कितना हो जाएगा सोलह आपका वाई जेड, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसको सोल्व करते हो तो इसका आंसर है ये आता है। अगर आप ये सरल समय का भूल जाते हैं तो ये आपको दो को हटाकर इसको दो बार लिख लेना है, ठीक है। इसको दो को हटाकर इसको दो बार लिख लेना है, फिर पहले पद को पहले से फिर इसको काफी लंबा हो जाएगा लेकिन आंसर आपका यही का यही आएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका इस सर्व समीकरण से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिया है, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन है वो एक करने को दे दूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब जो रीट के अंदर जो पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन है जो आपका रीट 2018 के अंदर आपका पूछा गया है। क्वेश्चन इस प्रकार था, 3x प्लस 5 की आपको स्क्वायर है माइनस इसमें 60x दिया गया था और आपको इसके अंदर चार ऑप्शन भी दिए गए थे, वो है इस प्रकार है 3x प्लस 10 है आपका, बी है 3x माइनस 5 की स्क्वायर, ठीक है, सी है 3x माइनस 12 स्क्वायर है, डी आपका है 3x प्लस 12 की स्क्वायर।
ये क्वेश्चन आपको दोस्तों रीट 2018 के अंदर आपसे पूछा गया था। इसका आंसर आप अगर कर पा रहे हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों पहली जो हमारी सर्व समीकाएं है ये ए प्लस बी वाली सर्व समीकाएं है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ए प्लस बी की जो सर्व समीका यहाँ पे लागू हो रही है तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी 9x² प्लस 2ab यानी ये 2 × 3x × 5 प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 = 30 यानी हो गया 9x² प्लस 30x प्लस 25 और ये हमें माइनस में कितना दिया गया था 60x। जो पद समान है या जिसमें घटाव है वो क्या हो जाएंगे, इनमें मध्य जोड़ घटाव हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा था जो समान पद होते हैं, समान चर वाले पद होते हैं, उनके मध्य जोड़ घटाव हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जोड़ घटाव होगा या नहीं होगा, यहाँ पे भी जोड़ घटाव होगा। ये प्लस का 30x है, ये माइनस का 60x है, तो ये बचेगा कितना 9x² है, माइनस का ये बचेगा 30x, ये कितना है, प्लस का क्या है आपका 25 है। अब इसको हम दोस्तों देखें, ये बात और ये बात है दोनों मिलती जुलती हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। ये कितना है दोस्तों, ये आपका प्लस का 30x है ना, ये आपका प्लस का 30x है और ये किसका है, माइनस का 30x है, यही तो है। ये प्लस का 30x है, ये माइनस का 30x है। इन दोनों में हम देखें तो एक ही बात है कि यहाँ पे तो दो ए बी आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो यहाँ पे 2ab है वो प्लस का है, और नीचे वाली सर्व समीका में जो 2ab आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो यानी यहाँ पे किसका है, माइनस का है ना, ठीक है। तो यानी ये मान इसके तुल्य हो गया हमारा, ये मान है दोस्तों, ये इसके तुल्य हो गया। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a - b², ठीक है, 2। तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों a - b² के रूप में लिखेंगे तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जा रहा है, तो ये कितना है हमारा 3x है, माइनस b कितना है हमारा 5 है, 5² तो यानी इसके अंदर हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपका रीट 2018 के अंदर क्वेश्चन है वो पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन जो एक सर्व समीकरण से हम देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, आज के लिए आपका ये होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन आपका ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है -5 + 4y, ठीक है, इसकी पावर आपको 3 दी गई है, इसका आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। मुझे उम्मीद है कि आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट है वो जरूर ले लें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्प रही होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। जल्दी हम अपना जो तीसरा टॉपिक है जो गुणनखंड का है वो हम शुरू करने वाले हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो बीत पीढ़ी। जय हिंद, जय भारत।